दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या क्या है। मैंने आपको बताया कि कैपिटल मार्केट के हमारे दो हिस्से होते हैं, जिनमें सबसे पहले हिस्से का नाम होता है दोस्तों हमारे पास प्राइमरी मार्केट, और दूसरे हिस्से का नाम दोस्तों होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट को दोस्तों हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब को खरीदा या बेचा जाता है, उस जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके क्या क्या फंक्शन है वो हम जानते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले फंक्शन का नाम है दोस्तों हमारे पास प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अगर आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज हैं और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो उसको बेचने के लिए जो मार्केट होगी वो स्टॉक एक्सचेंज होगी। आप उसे बेचना चाहते हैं, उसको लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेच के पैसा लेना चाहते हैं, तो उसको बेचने के लिए भी जो मार्केट होगी वो कौन सी होगी, हमारी स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज को हटा देता हूं तो कोई मार्केट नहीं होगी जहां पर मैं अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकूं। तो मेरी सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक मार्केट है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। इस बात को ध्यान रखे चलना आपको। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखें, जितनी मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर मैंने आपको बताया, इनके जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पर अप एंड डाउन रहते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो इनके प्राइसेस कितने होंगे, कितनी फ्लक्चुएशन आएंगे प्राइस में, प्राइस अप होगा या प्राइस डाउन होगा, इन सारा काम को करने की जिम्मेदारी भी दोस्तों किसकी, हमारी स्टॉक एक्सचेंज की। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। यही हमारी सेकेंडरी मार्केट है। ये सारा काम कहाँ चलेगा, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस भी तय करती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के प्राइस क्या होने वाले और क्या नहीं होने वाले, विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा पॉइंट हमारे पास दोस्तों आते हैं जिसका नाम है हमारे पास सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। इस बात को भी इंश्योर करके चलना कि जो बेकार कंपनीज हैं, जिनकी इमेज खराब है, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एंटर ना हो और लोगों को मैनिपुलेट ना कर सके। तो इस बात को भी इंश्योर कौन करेगी, हमारी जो है स्टॉक एक्सचेंज करेगी, कि वो ऐसी कंपनीज जो बिल्कुल खराब है उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने नहीं देंगी, ताकि वो आगे लोगों को परेशान ना करे और लोगों का पैसा लेके मत भाग जाए। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टॉक एक्सचेंज की, वो ऐसी कंपनीज को बिल्कुल भी ना एंटर होने दे कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर कोई भी कंपनी ऐसी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस करती है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जिम्मेदारी भी किसकी है दोस्तों, हमारी स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज उसके खिलाफ एक्शन लेगी और हो सकता है शायद उसकी कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाए स्टॉक एक्सचेंज से, मतलब उस कंपनी को अब स्टॉक एक्सचेंज पे देखा नहीं जा सकता, उसके शेयर्स खत्म। अगला पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपना पैसा घरों में ना रखें, क्योंकि घर में जो पैसा पड़ा है दोस्तों वो कभी भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा इकोनॉमी की ग्रोथ में। स्टॉक एक्सचेंज आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, और उस पैसे को लगाने के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा जरिया है, और वो पैसा ग्रो भी करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा ग्रो कर सकता है, और जब आपका पैसा ग्रो करेगा तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा ज़्यादा तो आप तरक्की करेंगे और साथ साथ तरक्की करेगा मेरा देश। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपना पैसा कहाँ लगाएं, स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, या हो सकता है शायद किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाएं। घर में पैसा रख के पैसा बढ़ने वाला नहीं है। अगला पॉइंट, स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। यहां पे जो कल्ट है दोस्तों वो कल्चर से रिलेटेड है। आज के टाइम में हर इंसान किसी ना किसी कंपनी का ऑनर बनना चाहता है। वो चाहता है कि यार मैं किसी कंपनी का ऑनर बन जाऊं। ऑनर बनना इतना आसान नहीं, करोड़ों पे लगाने पड़ते हैं ऑनर बनने के लिए। तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेके, भले चाहे वो 1% इक्विटी शेयर, 1% बहुत बैठता है, या 0.0001% ले इक्विटी शेयर्स, लेकिन अगर वो इतने भी इक्विटी शेयर ले लेता है तब भी वो कंपनी का क्या कहलाएगा, ऑनर, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं। तो ऑनर ऑनर है, भले चाहे वो 1% का हो, चाहे वो 100% का हो, चाहे वो 0.1% का हो, ऑनर तो ऑनर ही है। तो फीलिंग लेने वाली बात है, आप सभी लोग फीलिंग ले सकते हैं किसी कंपनी के ऑनर की। तो इक्विटी का जो कल्चर है, इक्विटी शेयर्स खरीदने का जो कल्चर है दोस्तों, टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम में हर इंसान इक्विटी शेयर में पैसा लगाना चाहता है, ताकि वो कंपनी की ऑनरशिप को फेस कर पाए, ऑनरशिप को फील कर पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बोले तो सट्टा, हर चीज में सट्टा है भाई। जहां इन्वेस्टमेंट करोगे वहां सट्टा तो होगा ही होगा। शेयर मार्केट सट्टे के ऊपर बेस है पूरी तरीके से। लीगल, इकलौता लीगल सट्टा जो हमारे इंडिया में चलता है वो हमारी शेयर मार्केट है, पता ना मत किसी को। ये क्या कहती है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं किस ऑब्जेक्टिव से, कि ये पैसा आज आप लगा रहे हो और ये पैसा बढ़ेगा। आज आपने कोई शेयर 100 का खरीदा, कल आप उम्मीद करोगे 110 का बिकेगा, मेरे को 10 का प्रॉफिट मिलेगा एक शेयर पे। 1000 शेयर है तो वो प्रॉफिट हो गया सीधा 10,000 का, 10,000 का प्रॉफिट अच्छा खासा है। तो हम यही करते हैं कि हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि ये पैसा मेरे को बढ़ के मिलेगा। ये स्पेकुलेशन ही तो है, सट्टा ही तो है। तो हम स्कोप बढ़ा रहे हैं स्पेकुलेशन का, ताकि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें इन सिक्योरिटीज में, और साथ साथ इन सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ाएं,
और अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये हमारे इंडिया में मैंने आपको बताया इकलौता स्पेकुलेशन है, मतलब लीगल रूप से चलने वाला इकलौता स्पेकुलेशन हमारा स्टॉक एक्सचेंज में चलता है, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटीज़ आप खरीदिए और आपको बेचने पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहे तो मिल सकता है। इसी के नाम है दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट इसका, जिसका नाम है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। सट्टा ही सट्टा है, हर इंसान लगाता है क्या सट्टा, बिना सट्टे के काम चलने वाला नहीं। ये था हमारे फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।